फाइनली अभी हम मोतिहारी पहुंच चुके हैं। दिन भर की यात्रा, जैसा कि आप जानते हैं। कहाँ अभी आप जा रहे हैं? बेगूसराय। बेगूसराय, और वहां से सफदलपुर क्रॉस करने के बाद हम पहुंच गए हैं शाहपुर कमाल जंक्शन। यहां भी जैसे ही ट्रेन बरौनी स्टेशन पर पहुंची, देखती यात्रियों की भीड़। हेलो देवी और सज्जनों, आरडी ब्लॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम हैं सफदलपुर रेलवे जंक्शन पर। यहां से अभी हम समस्तीपुर जाएंगे। समस्तीपुर से बस पकड़कर आज मोतिहारी जाना है, और इस दौरान सफदलपुर रेलवे स्टेशन पर जयनगर भागलपुर ट्रेन को बहुत देर से रोका हुआ है, तकरीबन एक घंटा से। तो यहाँ का व्यू देखने का मौका तो मिला, तो हमने सोचा एक शॉट जरूर बना लिया जाए। देख सकते हैं रेलवे स्टेशन पर काफ़ी सारी भीड़ है। ये है सफदलपुर जंक्शन, जो कि मुंगेर से खुलने पर गाड़ी पहला स्टेशन यही है। और ये है हमारा ट्रेन जयनगर भागलपुर। यहाँ से सफदलपुर क्रॉस करने के बाद हम पहुंच गए हैं शाहपुर कमाल जंक्शन। यहाँ भी ट्रेन बहुत देर से रुकी हुई है। पता नहीं आज हमारा यात्रा है तो पता नहीं क्यों इतना देर से। यहाँ स्टॉपेज मात्र 2 मिनट का है, लेकिन अभी जस्ट यहाँ गाड़ी खुली है, इस वजह से यहाँ भी काफ़ी समय से रुकी हुई है। शाहपुर कमाल स्टेशन भी बहुत बढ़िया है, घनी आबादी तो नहीं कहा जाए लेकिन फिर भी बढ़िया है। शाहपुर कमाल स्टेशन पर हमारे रुके हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, और यहाँ कुछ स्टूडेंट मिल गया है, मैं उनसे थोड़ा बातचीत करना चाहूँगा। बताइए क्या नाम है आप लोगों का? ऋषभ कुमार। क्या करते हैं ऋषभ? ITI क्लास करते हैं। ITI क्लास, कहाँ अभी आप जा रहे हैं? बेगूसराय। बेगूसराय, और वहाँ से फिर खातोपुर जाएंगे, सुंदरी प्यारे ITI कॉलेज। अच्छा, ITI ये कर रहे हैं, शायद रेलवे में भर्ती होने के। अभी गाड़ी खुलने को है और सिटी दे दिया है, तो बाय बाय दोस्तों, बाय। इन लोगों से बात करके अच्छा लगा। अब मैं अपने बॉगी में जा रहा हूँ, चूँकि खुल गई है। शाहपुर कमाल से खुलने के बाद यहाँ पर सिग्नल बिल्कुल हरी है, और यहाँ से अब बेगूसराय के लिए प्रस्थान कर रही है गाड़ी। ग्रीन ही ग्रीन, मैं बेगूसराय स्टेशन पहुंचने वाला हूं, और मुझे यहां पर दो भाई साहब थे जो हमारे सब्सक्राइबर भी थे, वो विंडो सीट मुझे दिए हैं। और विंडो सीट का एक अलग ही मज़ा होता है, बाहर का सारा व्यू आप आराम से देख सकते हैं। और बेगूसराय मुंगेर पुल बनने के बाद मुंगेर से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो गया है, और नज़दीकियाँ भी काफ़ी कम हो गई है। यह बेगूसराय रेलवे स्टेशन। जैसे ही ट्रेन बरौनी स्टेशन पर पहुंची, देखिए यात्रियों की भीड़ पूरी तरह से बोगी के अंदर आ गया है, और सभी अपनी सीट रोकने में। हेलो भैया, सामान ले साहब। यह स्टेशन काफी यहाँ पर भीड़ हो गया है ट्रेन में, और बैठने की जगह तक नहीं मिल रही है। बरौनी जंक्शन पर जो आपने भीड़ देखी, वो मुख्य रूप से गंगा स्नान करके आ रहे थे, इसके कारण वह थके थे सभी लोग, और आराम से यहाँ पर सो रहे हैं। अभी हम दलसिंह सराय स्टेशन पर पहुँच गए हैं, और यहाँ से भी समस्तीपुर तकरीबन आधा घंटा तो लग ही जाएगा। और जब आप यात्रा करते हैं तो नए नए लोग से मुलाकात होते हैं। अभी हमारे साथ बंटी जी हैं, जो कि असरगंज से हैं, इनका भी मैं अपने ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बंटी जी, आज कहाँ जाना हो रहा है? कहाँ जाना हो रहा है? समस्तीपुर का विशेष कारण जी। और दोस्त हमारे हैं, अभी हम समस्तीपुर अराइव कर चुके हैं,
समस्तीपुर से मुझे जानी है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के लिए यहाँ से ट्रेन पता करना होगा कि कितने बजे ट्रेन है। अभी मैं जा रहा हूँ इंक्वायरी में पता करेंगे कि कौन सी गाड़ी मुजफ्फरपुर के लिए है। आज स्टेशन पर काफ़ी भीड़ है। फाइनली मुझे इंक्वायरी जाकर पता चला कि हमारी गाड़ी 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है और हम जा रहे हैं 6 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ, वहां से मुजफ्फरपुर के लिए रवाना होंगे। अभी मैं ओवरब्रिज क्रॉस करके 6 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहा हूं। यहां पर भी भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये है 6 नंबर प्लेटफॉर्म। मैं आ जाता हूँ 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर। मुझे यहाँ थोड़ी प्यास लगी है और मैं लिया हूँ अमूल का दूध, जिसे पीकर मैं थोड़ा रिलैक्स होऊंगा। एक गाड़ी भी आ गई है लेकिन ये हमारी गाड़ी नहीं है। मुझे जानी है कवि गुरु एक्सप्रेस से मुजफ्फरपुर। ये समस्तीपुर का व्यू है। यहाँ 2 बजे हमारी ट्रेन आएगी और यहाँ से हम रवाना हो जाएंगे। फाइनली अभी हम मोतिहारी पहुंच चुके हैं। दिन भर की यात्रा, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भागलपुर से सुबह चला था और 7 बजे के करीब मैं अभी मोतिहारी आया हूं। मोतिहारी आने के बाद हमने एक होटल लिया है, छोटा सा होटल है। इस कमरे में मैं आज का रात यहीं पर हम स्टे करेंगे। देख सकते हैं ये है आज का हमारा होटल है। और यहाँ स्टे करने के बाद हम कल सुबह फिर जो हमारा कार्य है यहाँ करने के बाद मैं फिर निकलूँगा भागलपुर के लिए। आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभरात्रि।